हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रक से करीब 60 लाख की शराब बरामद। गाजर की आर में छिपा कर लेकर जा रही थी शराब। रिको पुलिस ने आबू रोड पालनपुर NH-27 पर मावल चौकी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रक में गोजर के बोरों की ओट में गुजरात लेकर जा रही अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की। ट्रक को जब्त कर पंजाब निर्मिति 614 शराब के कार्टन बरामद किए गए। साथ ही ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार किया गया। बरामद की गई शराब का मूल्य करीब 60 लाख रुपए का आंका बताया जा रहा है। गुजरात में की जा रही मादक पदार्थ व शराब की तस्करी की रोकथाम को पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नतीजन गुजरात सरहद से सटी मावल चौक शराब तस्करों के लिए डेथ पॉइंट साबित हो रही है। पूरे राज्य को पार करते हुए मावल चौकी पहुँचते ही शराब तस्करों का नेटवर्क तार तार हो रहा है। इसी की बागबानी मावल चौकी पर देखने को मिली। रिको थाना अधिकारी महेश डाका के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुजरात जा रहे ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में गाजर के बोरों की आड़ में छिपाकर गुजरात लेकर जा रही थी। इस बोरे में पंजाब निर्मित शराब पाई गई। पुलिस ने ट्रक से अंग्रेजी शराब के 614 कार्टन बरामद किए, साथ ही ट्रक को जब्त किया। ट्रक चालक बाड़मेर के शिव निवासी नवाब खान व खलासी बाड़मेर के शिव निवासी हाकम खान को गिरफ्तार किया। बरामद की गई शराब का मूल्य करीब 60 लाख रुपए का आंका बताया जा रहा है। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।